अच्छा सर बताइएगा, लिंचिस्तान ठीक है, मोदी हिटलर ठीक है, सैफरन टेरर ठीक है, यूपीएससी जिहाद नहीं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपको एक सुपर हीरो के बारे में बताता हूँ। शायद इस सुपर हीरो के बारे में आपने बहुत कुछ सुना नहीं होगा। तो एक टीवी शो है साउथ पार्क, उस साउथ पार्क टीवी शो में एक सुपर हीरो है जिसका नाम है कैप्टन हाइंडसाइट। अब कैप्टन हाइंडसाइट एक ऐसे सुपर हीरो है कि वो हमेशा क्राइम सीन पर देर से पहुंचते हैं। एक बार क्राइम हो गया उसके बाद कैप्टन हाइंडसाइट वहां पर पहुंचते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि किस तरह से इस क्राइम को रोकना चाहिए था। बेसिकली इसका मतलब ये है कि भाई क्रिमिनल आए, आपके जेवर चुरा के ले गए, आपके सारे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स चुरा के ले गए, आपके कपड़े भी चुरा के ले गए, आप लंगोट में बैठे हुए वहां पर, और फिर ये सब होने के बाद कैप्टन हाइंडसाइट आते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको इन क्रिमिनल्स को रोकना चाहिए था। तो कैप्टन हाइंडसाइट की बात क्यों कर रहा हूं? मैं कैप्टन हाइंडसाइट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक्शन लिया है हाल में, उससे मुझे कैप्टन हाइंडसाइट की बात याद आ गई। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनमें हमेशा इंटरेस्ट लेता है, जैसे कि आपको पटाखे कितने समय तक फोड़ने चाहिए और आपको शादी में खाना कितना खाना अलाउड होना चाहिए, यू नो, जो नेशनल प्रायोरिटी की चीजें हैं हमारे देश में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आप कई चीजें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ झूठ बोलना। सुप्रीम कोर्ट को माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ झूठ से उतनी ही नफरत है जितना राजेश खन्ना को टीयर से नफरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही एक ऑर्डर पास किया कि सुदर्शन टीवी ने एक प्रोग्राम निकाला था जिसका नाम उन्होंने रखा था यूपीएससी जिहाद, इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने की परमिशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक जो पिटिशनर था जिसने इस प्रोग्राम को ब्लॉक करने के लिए पिटिशन किया था, उसने कहा था कि ये प्रोग्राम जो है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच को फैलाता है और वायलेंस को बढ़ावा देता है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी ये कहा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम अलाउ नहीं करने देंगे जो ये कहने की कोशिश करता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो सिविल सर्विसेज में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली सुदर्शन टीवी ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम उन्होंने रख दिया था यूपीएससी जिहाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट में मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम से कुछ ज्यादा ही एडवांटेजेस दिए जा रहे हैं। और उन्होंने यह भी बताया था कि ज़कत फाउंडेशन, जो टर्की का एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जैसे और अलग अलग इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो किस तरह से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को इंडिया में मदद कर रहे हैं यूपीएससी में घुसने के लिए। सुदर्शन टीवी ने ये कहा था कि उड़ान योजना के तहत 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, लेकिन हिंदू कम्युनिटी को ऐसी कोई भी मदद नहीं मिलती है। उन्होंने तो कहा था कि मुस्लिम कैटेगरी जो है वो तो ओबीसी कैटेगरी का भी लाभ उठाती है और इस वजह से एक हिंदू जो है वो 32 साल की उम्र तक यूपीएससी के एग्जाम दे सकता है, लेकिन एक मुस्लिम जो है वो 35 साल की उम्र तक यूपीएससी के एग्जाम दे सकता है, और एक हिंदू जो है वो 6 बार यूपीएससी के एग्जाम दे सकता है, लेकिन एक मुस्लिम को 9 बार यूपीएससी के एग्जाम देने अलाउड है। और सुदर्शन टीवी ने ये भी कहा कि 2018 में इंटरव्यू में जो मार्क्स आते हैं अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के, उसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स और हिंदू स्टूडेंट्स के बीच में करीब करीब 10% का डिफरेंस था। अब आप तो जानते हैं कि यूपीएससी इतना कम्पिटिटिव है कि 1-2% से बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। अब आप सोचिए 10% कितना बड़ा डिफरेंस है। और ये एग्जांपल आपने हाल में ही देखा होगा शाह फैजल का, कि शाह फैजल से आगे मेंस में कई और स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन इंटरव्यू में शाह फैजल ने सबको पीछे छोड़ दिया था। और ये जो 10% का डिफरेंस है, ये और अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने भी रिसर्च करके कंफर्म किया है इंटरव्यू। तो इसका रीजन क्या है? क्या इसका रीजन ये है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो इंटरव्यू प्रोसेस में नॉन मुस्लिम से कुछ ज्यादा ही बेहतर हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो टांग तोड़वाने के पहले वाले शर्मन जोशी हैं और मुस्लिम्स जो हैं वो टांग तोड़वाने के बाद वाले शर्मन जोशी हैं, जहां तक इंटरव्यू की बात आती है। लेकिन अगर ये करीब करीब 10% पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को एग्जामिन करने की और इस डिफरेंस को एक्सप्लोर करने की आजादी होनी चाहिए इंडिया में। और सुदर्शन टीवी भी यही कहा कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये जो हम कर रहे हैं ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, बेसिकली हम क्या कारण है इन मार्क्स के डिफरेंसेस के बीच में, इनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जो साइड है, जो पिटिशनर है जो सुदर्शन टीवी को ब्लॉक करवाना चाहती है, उनसे ये नहीं कहा कि आप
काउंटर प्रूफ प्रोवाइड कीजिए, आप प्रूफ प्रोवाइड कीजिए कि जो सुदर्शन टीवी कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। उन्होंने कोई इस बात का प्रूफ नहीं मांगा, उन्होंने बस कह दिया कि भैया ये हेट स्पीच है और इसको दिखाना अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ये मतलब नहीं हुआ कि आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच फैला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज हवाईयन पिज्जा पर भी बैन लगा दिया जाए, क्योंकि देखिए मैं ये बात मानता हूं कि पिज्जा के ऊपर पाइनएप्पल डालना पिज्जा के खिलाफ हेट स्पीच है। अगर आप भी मुझसे अग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं #banpineapplepizza। और यहां पर मुझे सही मायने में सुप्रीम कोर्ट को देखकर कैप्टन हाइंडसाइट की याद आती है, क्योंकि कैप्टन हाइंडसाइट की तरह ही सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस कंक्लूजन पर बहुत देर से पहुंची, क्योंकि जो रूल उन्होंने आज जाकर सुदर्शन टीवी के ऊपर लगाया है यही रूल उनको इंडिया स्पेंड के हेट ट्रैकर के ऊपर भी लगा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया स्पेंड का जो हेट ट्रैकर है वो भी गलत सलत डेटा का इस्तेमाल करके एक वन साइडेड नैरेटिव पेंट करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर वो हिंदू कम्युनिटी को फैशिस्ट और कम्युनल जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो वो भी तो हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच हुई ना एक तरह से। इस हेट ट्रैकर की वजह से कई हिंदुस्तानी बुद्धिजीवियों और कई हिंदुस्तानी जर्नलिस्टों ने इंडिया पे सोशल मीडिया पे लिंचिस्तान नैरेटिव खूब ट्रेंड करवाया था। तो ये भी तो हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच हुई ना। लेकिन हमारे कैप्टन हाइंडसाइट को अकल बड़ी देर से आई। यही सुदर्शन टीवी पे जो रूल इन्होंने लगाया है, अगर इन्होंने कुछ साल पहले लगा दिया होता तो सैफरन टेरर का जो गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा था मीडिया में, क्या वो नैरेटिव फैलता? वो नैरेटिव भी नहीं फैलता, क्योंकि वो नैरेटिव भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सैफरन टेरर का भी कोई ढंग का एविडेंस नहीं है इंडिया में। अगर ये रूल सुप्रीम कोर्ट का 6 महीने पहले लगा दिया होता तो जितने सारे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और जितने यूट्यूब चैनल आकर दिल्ली रायट्स को दिल्ली पॉग्रम्स बोल रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली रायट्स में सिर्फ हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्ल किया है, ये नैरेटिव फैलाना भी फिर अलाउड नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे कैप्टन हाइंडसाइट को बड़ी देर से अकल आई। ये रूल अगर CAA पर लगा देते तो CAA को फैशिज्म नहीं बोला जाता, ये रूल अगर मोदी पर लगा देते तो फिर मोदी को हिटलर नहीं बोला जाता। तो इन सब चीजों के लिए फ्री स्पीच मौजूद है, लेकिन सुदर्शन टीवी अचानक से हेट स्पीच हो गया। भैया हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल कमाल का है, हिंदू कम्युनिटी के लिए ये बिल्कुल धृतराष्ट्र बने रहते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ये सुपरमैन बन जाते हैं। मतलब कसम से सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को रोकने के लिए उतने ही सीरियस है जितना जया बच्चन बॉलीवुड में ड्रग्स को रोकने के लिए सीरियस है। याद करें मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भारत में जो रिसोर्सेज है उन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी कम्युनिटीज का बनता है। लगता है कि इस एडवाइस को सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सीरियसली ले लिया है कि भाई डेफेमेशन से और हेट स्पीच से प्रोटेक्शन का पहला अधिकार माइनॉरिटी कम्युनिटीज को मिलता है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को हेट स्पीच से बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जय हो कैप्टन हाइंडसाइट। देखिए एट द एंड ऑफ द डे मेरा मेरे लेफ्टिस्ट दोस्तों से एक सवाल है, क्योंकि देखिए मैं भी तो आपकी तरह 100% सेक्युलर हूं, कि आप अगर चाहे तो बिल्कुल कह सकते हैं कि सुदर्शन टीवी ने जो कहा, सुदर्शन टीवी ने जो प्रोग्राम बनाया वो इनसेंसिटिव था, वो कम्युनल था, वो गलत था, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। आप भैया आप कसम से जो सोचना चाहते हैं आप सोच सकते हैं। अगर आप सोचना चाहते हैं कि कुत्ते भी अपर कास्ट हो सकते हैं तो सोच सकते हैं। द वायर की एक जर्नलिस्ट ने हमें बताया कि किस तरह से कुत्ते भी अपर कास्ट हो सकते हैं। बताइए यार अब कुत्ते भी कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्या होगा इस देश का? बट एट द एंड ऑफ द डे क्या सुदर्शन टीवी को ये पब्लिश करने की फ्रीडम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको मोदी को हिटलर बोलने की आजादी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको सैफरन टेररिज्म के बारे में लिखने की आजादी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली को दिल्ली पॉग्रम्स बोलने की आजादी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडिया को लिंचिस्तान बोलने की आजादी होनी चाहिए, इसके बावजूद कि इन सब चीजों का ढंग का प्रूफ मौजूद नहीं है इंडिया में, तो फिर आपको यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सुदर्शन टीवी ने जो पब्लिश किया था वो पब्लिश करने की भी उनको आजादी होनी चाहिए। आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं इस बात से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होगी, इससे श्याम शर्मा शो की बहुत मदद होगी। अगर आपने लाइक नहीं किया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो फिर कैप्टन हाइंडसाइट आ जाएंगे इस वीडियो के निकलने के 2-3 दिन के बाद। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके श्याम शर्मा शो को जरूर सपोर्ट करें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद आया लेकिन फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे यार तक किस बात का इंतजार कर रहे हो, ये तो रहा बटन है, क्लिक कर दो और एक और क्लिक लगेगा, बेल आइकॉन को भी दबा दो। हमारे यहां और यहां और भी वीडियोस हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे।